नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली की स्थिति अब पटरी पर लौटती दिख रही है। इसी बीच कोरोना से प्रभावित होने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरी योजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चार घोषणाएं की। इसमें कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए मदद राशि का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों के घर में कमाने वालों के बच्चों की मौत हो गई या कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया छिन गया। वहीं कई माता पिता के कमाने वाले बच्चों की जान चली गई। उन्होंने मंगलवार को ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार बड़े ऐलान किए जो इस प्रकार है। कोरोना से पीड़ित हुए बच्चों को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। इन बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। दूसरा ऐलान, बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। वह बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई और जिनकी शिक्षा दिल्ली सरकार करवाएगी, वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तीसरा ऐलान, गरीबों को फ्री में राशन दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पिछले साल की तरह गरीबों को फ्री में राशन दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली में 70 लाख राशन कार्ड धारकों को इस महीने से राशन मुफ्त में दिया जाएगा और उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे। केंद्र की तरफ से भी इन राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। अब उन्हें इस महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो कहेगा वह गरीब है, उसके पास राशन नहीं है, उसे भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।